मैं अपना बाइक का परफॉर्मेंस अपडेट करने के लिए ये सब चेंजेस कर रहा हूँ। तो इससे पहले ना मुझे ऐसा स्मूथनेस कभी फील नहीं हुआ। गुड आफ्टरनून गाइस, सो एक हफ्ता बाद मैं आज फिर से खूबसूरत वादियों में मैं आज आया हूँ एक ब्लॉग करने के लिए। सो आज का जो ये ब्लॉग है, तुम लोग थंबनेल देख के तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर ये होगा। सो वीडियो मैंने जो बनाया है आगे पीछे थोड़ा करके बनाया है, क्योंकि सोचा नहीं था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो अभी चैनल के लिए कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो फिर बनाना तो बनता है। सो इसीलिए मैं आज ये तुम लोग देख ही सकते हो, ये एकदम पीसफुल साइलेंट एनवायरनमेंट है यहाँ का। पीछे नदी है, उस तरफ भी जंगल और मेरे पीछे भी जंगल है। सो मेरा जो NS 200 है, वो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि सर्विसिंग करवाना है। मेरा NS 200 में 2 साल में जस्ट 12,800 हुआ है सिर्फ। मेरा जो NS 200 वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, मतलब लॉन्ग राइड के लिए उतना यूज़ नहीं हुआ है। और तुम लोगों ने देख ही लिया, बस सिक्किम राइड मैंने किया है, एक मेरा पहला और लॉन्ग ट्रिप जो तुम लोग कह सकते हो, एक ही सिक्किम राइड मैंने किया है। उसके बाद अभी सोच रहा हूँ, मतलब कोई नेक्स्ट बड़ा ट्रिप होगा, लेकिन होगा कुछ दिन बाद होगा, लेकिन होगा। सो मतलब मेरा तीनों सर्विसिंग ऑलरेडी हो चुका है, ये लेके 4 नंबर सर्विसिंग होगा NS 200 में। लेकिन पहला जो 3 सर्विसिंग है, मैंने NS का जो डिफॉल्ट इंजन ऑयल आता है NS 200 का बजाज की तरफ से, सो वही मैं डलवाता था अपने बाइक में, लेकिन उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी बेकार था, जल्दी हीट हो जाता था, उसके बाद खींचने में उतना मज़ा नहीं आता था उसको। तो दोस्त सभी लोग बोलते हैं कि मोतुल अच्छा है, तो फिर मैंने भी सोच लिया भी चलो मोतुल ही डलवा के देखते हैं। आज ही इस वीडियो में, मतलब वीडियो तो पहले बन चुका है, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बाइक में डलवा दिया है मोतुल का 7100 20W50 एंड उसी के साथ लिक्विमोली का कुछ प्रोडक्ट, इंजन फ्लश एंड फ्यूल सिस्टम क्लीनर एंड एमोस्ट शूटर। ये तीनों चीज़ मैंने, मतलब NS 200 का परफॉर्मेंस पैक के लिए ये मैंने लिया है। सॉरी, चीज़ मैं बताना भूल ही गया, उसी के साथ मैंने एक EDM स्पार्क प्लग NGK का मैंने लगवाया है, जो मेन इंजन, मतलब मेन जो बड़ा वाला स्पार्क प्लग होता है बीच में एयर फिल्टर के नीचे जो आता है, वो वाला स्पार्क प्लग मैंने चेंज करवाया है NGK का EDM स्पार्क प्लग। सो उसी के बाद डलवाने के बाद मुझे ना बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी बाइक चला के, मतलब जब मैंने डलवाया था तो उसके बाद मैंने चलाया तो अच्छा लगा, ठीक ठाक लगा, लेकिन स्मूथ लग नहीं रहा था और मेरा जो गियर लीवर है वो भी काफ़ी जाम लग रहा था। सो मैं सोच रहा था भाई नया इंजन ऑयल डलवाया, मतलब लिक्विमोली का परफॉर्मेंस पैक यूज़ किया, लेकिन फिर भी मुझे स्मूथनेस क्यों नहीं मिल रहा था, यूज़ किया लेकिन अच्छा माइलेज नहीं मिल रहा था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था, मुझे इसका कारण क्या है, मतलब चेन को ठीक से ल्यूब भी करवाया लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था बाइक में, जो इंजन का जो एक साउंड है स्मूथनेस वो मुझे चला के नहीं मिल रहा था। ये जो मतलब मेरा बाइक का जो क्लच है, मेरा बाइक का जो क्लच वो बहुत दिन पहले ही खराब हो चुका था, मतलब 2 जगह पे बीच में वो बाइक का जो क्लच केबल है उसमें 2 जगह फट चुका था। मेन केबल नहीं फटा था, लेकिन ऊपर जो प्लास्टिक से उसका रैपिंग होता है वो फट चुका था। शायद इसी के वजह से मेरा गुरुदोंगा लेक में, जब मैं चल रहा था गुरुदोंगा लेक के लिए, उसी कारण प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत पहले, मतलब जब मैंने 2 नंबर सर्विसिंग करवाया था, तभी मुझे बोला गया था कि ये तुम्हारा बाइक का क्लच केबल खराब है, सो उसी टाइम चेंज करवाना चाहिए था, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा भाई चल रहा है तो चलने दो, लेकिन अब लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब थोड़ा सा छोड़ने में ही प्रॉब्लम दे रहा था, बाइक आगे नहीं जा रहा था, ऐसा बात है, डायरेक्ट स्टार्ट बंद हो रहा था। उसके बाद मैंने क्लच केबल चेंज किया और उसके बाद तुम अभी परफॉर्मेंस, मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा ना बाइक का स्मूथनेस, जो क्लच के कारण ही, ये मैं जो मेरा गियर लीवर वो काफ़ी जाम होकर रखा था। सो क्लच चेंज करवाए, अभी सब कुछ परफेक्ट है, इंजन अभी काफ़ी स्मूथ है। सो तुम लोग पहले वर्कशॉप की वीडियो देख लो, उसके बाद राइड पे निकला हूँ, उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव किया सो वो तुम लोग देख। হ্যাঁ, 2-5 মিনিট থাক, নাহলে তো হবে না। তো ইয়ে তুমি লোক দেখ সকতে হো, ইঞ্জিন ফ্লাশ
ऑयल सर्किट फ्लश एंड क्लीन। इसका जो पुराना वाला इंजन ऑयल है उसी के साथ इसको हमने डाल दिया, इंजन का जितना भी डस्ट है और मैल उसको बाहर निकालने के लिए। इसके बाद तुम लोगों ने वीडियो देख ही लिया कि इंजन को 5 मिनट तक स्टार्ट रख के इसको छोड़ देना है नॉर्मली, इसके बाद ड्रेन करना है। तो देख ही सकते हो गाड़ी पूरा खुल चुकी है, सिर्फ एक चीज़ लगने के लिए, ये लगने के लिए, क्योंकि ये एकदम टैंकी के नीचे आता है, इसी के लिए ये बहुत सीरियस से आराम से धीरे से खोलना पड़ेगा, उसके बाद आराम से लगाना पड़ेगा। बहुत क्रिटिकल जगह है उसको लगाने के लिए। आज मैं अपना बाइक का परफॉर्मेंस अपडेट करने के लिए ये सब चेंजेस कर रहा हूँ। और ये मोतुल का देख ही सकते हो, मोतुल का 7100 20W50 फुल्ली सिंथेटिक ऑयल जो कि 1.5 लीटर का आता है, और मेरे इंजन में 1.2 लीटर का जाएगा। लिक्विड मोली का देख ही सकते हो, लिक्विड मोली का 3 प्रोडक्ट। और ये इंजन फ्लश मतलब इंजन ऑयल सर्किट फ्लश एंड क्लीन, इंजन के जितने भी मैल डस्ट जितने भी है मतलब उसको क्लीन करने के लिए, इसका जो पुराना वाला ऑयल है उसी के साथ ये डलता है, जो कि तुमने वीडियो में देखा ये ऑलरेडी डल चुका है। और ये दोनों डलेगा, ये डलेगा नया इंजन ऑयल डालने के बाद, और ये डलेगा फ्यूल टैंक में। 1 मिनट, ये डलेगा फ्यूल टैंक, फ्यूल सिस्टम क्लीन है। मेरा जो BS4 इंजन है मतलब कार्बोरेटर इंजन है, उसको क्लीन करने के लिए ये प्रोडक्ट। अभी ये इसको यूज़ करके देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ एनजीका का इरिडियम लेज़र स्पार्क प्लग। तो अभी काम चल रहा है बाइक का, आगे सब कुछ दिखाते हैं तुम लोगों को। तो अभी ये देख लो इरिडियम स्पार्क प्लग जो अभी लगने जा रहा है। तो दिखाना मुश्किल है क्योंकि अंदर है बीच में। वो देखो अभी लग गया, ये इसको रेल से टाइट करने के बारी है। तो अभी इसका देख ही रहे हो मेन काम चल रहा है, इंजन ऑयल डल रहा है। सो यहाँ पे बोतल में रहता है 1.5 लीटर रहता है, यहाँ पे अब 300 ml देख ही सकते हो, 300 ml यहाँ पे रख के बाकी को वहाँ पे सब डाल रहे हैं। सो तुम लोग यहाँ पे देख ही सकते हो एकदम बीच में है, ये बीच में है मतलब एकदम परफेक्ट है इंजन के लिए। वो NS200 और RS200 दोनों के लिए सेम ही लगता है 1200 ml का। सो अभी भी काम थोड़ा बाकी है, ये दो चीज़ डलवाना बाकी है, ये और ये। सो अभी ये देख सकते हो तो लिक्विड मोली का MOS2 शूटर अभी जाएगा इसमें इंजन ऑयल डालने के बाद, पूरा पूरी ख़त्म है, अभी इसमें सिर्फ हवा ही बचा है। लिक्विड मोली MOS2 शूटर, लिक्विड मोली इन मेड इन जर्मनी। सो अभी इसका डालेगा ऑयल क्लीनर, लाइक इट। बाइक का ऑलमोस्ट ओवरऑल ऑल काम हो चुका है डन। यहाँ पे इतना जाम कैसा यार, चेकिंग चल रहा था। सच में भाई सर्विसिंग करवा के बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मेरा 4 नंबर सर्विसिंग अभी कंप्लीट हुआ है। और किलोमीटर तुम लोग जस्ट देख सकते हो 13,377, बहुत ही कम है 2 साल में, क्योंकि ये गाड़ी उतना चलता नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग राइड में उतना अभी शुरू नहीं किया मैंने। सो अभी खींचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एक्सीलेटर लगा के। सो पहले ना इतना ऐसा फीलिंग मुझे पहले नहीं मिला था, बाइक की इतनी स्मूथनेस
इतना थ्रॉटल स्पीड पहले कभी लगा नहीं था आज से पहले। मेरा क्लच जो है, क्लच केबल ख़राब हो के रखा था लगभग बहुत दिनों से। जब मैंने सेकंड सर्विसिंग करवाया था तभी शोरूम से मुझे बोला गया था कि केबल ख़राब है। क्लच के कारण ही मेरा जो गियर पैड है, गियर लीवर, वो काफ़ी जाम होकर रखा था। सो उसी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। एक हफ्ता पहले मैंने बिंदु राइड किया था, उसी राइड के दौरान मुझे बहुत टाइट लग रहा था, मतलब गियर शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। अभी क्लच केबल चेंज करके मेरा इंजन एकदम स्मूथ हो गया, एकदम स्मूथ। अभी गियर शिफ्टिंग का भी प्रॉब्लम नहीं है और बाइक पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। ये मेरा परफॉर्मेंस पैक, मतलब मैं जो भी प्रोडक्ट मैंने सर्विसिंग के लिए यूज़ किया। सो ऑलमोस्ट अभी 6:30 बज रहा है और अभी तो दिन बड़ा है, इसीलिए अभी भी शाम नहीं हुआ, शाम में से होने को है, दिन ढलने को है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी खींच के। तो इन्हीं लोगों के वजह से ना पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है, तुम लोग देख ही सकते हो इस स्कूटी के पीछे से। सो साइलेंसर से तुम लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। सर्विसिंग में ये लोग ठीक से करवाते नहीं है। सो सोचा नहीं था कि वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल कंटेंट तो चाहिए ना भाई वीडियो के लिए, चैनल के लिए। सो इसी के कारण मतलब जब सर्विसिंग करवाया कल तो सही से वीडियो नहीं किया, जैसे तैसे मैंने दिखाया ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया और उसका रिजल्ट अभी बहुत तुम लोगों के सामने है। झूठ बोल के ना कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे मिल रहा है परफॉर्मेंस अच्छा, इसीलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। देख ही सकते हो स्पीड, सो इंतज़ार है इन्हीं सब, ये जब धान के पेड़ जब बड़े हो जाएंगे तब यहाँ पे दोबारा आएंगे, क्योंकि अभी छोटे छोटे हैं। अभी जस्ट मतलब एक महीना भी नहीं हुआ है, ये जस्ट लगे हैं, 2 हफ्ते होंगे। सो तुम लोग देख ही सकते हो अभी एकदम शाम हो चुका है। तो भाई आज के लिए ये ब्लॉग बस यही तक एंड करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड साथ ही साथ कमेंट भी कर देना। प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर किया करो भाई, अगर देख ही रहे हो तो थोड़ा सा कमेंट करके जाओ, अच्छा या बुरा जो भी हो तुम लोग की ओपिनियन है, तुम लोग अपनी वीडियो में तुम लोग अपनी ओपिनियन दो, बस ओपिनियन ज़रूर दो, मतलब कमेंट ज़रूर करो और हो सके तो शेयर भी कर दो। एंड साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, PS बाइकर को। नेक्स्ट टाइम से अच्छे तरीके से वीडियो आएगा। सो फिलहाल अभी चलते हैं घर, क्योंकि इधर पे उतना आना होता नहीं है। सो जब भी मौका मिलता है इधर मैं चला आता हूँ, अच्छा लगता है यहाँ के एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, एकदम गांव है ना, चारों तरफ ही गांव, मतलब विलेज। एंड साथ ही साथ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी एंड फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है, तुम लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। सो फिलहाल तो राइडिंग का मतलब लॉन्ग राइड का सही से प्लान नहीं है, लेकिन जल्दी बनेगा, लेकिन हाँ जल्दी बनेगा, कहाँ क्या वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन लॉन्ग राइड की प्लानिंग ज़रूर होगा। तो फिर आज के लिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में।